चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर काशी में राम भक्त हनुमान की सबसे लंबी यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा इतनी लंबी होती है कि इसे देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगी। करीब 3 किलोमीटर लंबे इस हनुमान ध्वजा यात्रा में 50,000 से ज़्यादा भक्त शामिल होते हैं। इस यात्रा में कई खास चीज़ें होती हैं जो कहीं और नहीं देखने को मिलता। पूर्वांचल के सबसे बड़े इस हनुमान जयंती यात्रा में इस बार अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी दिखाई देगी। इसके लिए 25 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा राम मंदिर का मॉडल भी थर्माकोल की मदद से तैयार किया जा रहा है। शोभा यात्रा श्री राम जन्मभूमि पर आधारित है और श्री राम जी के जो श्री राम मंदिर बने हैं अयोध्या में उस पर आधारित है और समर्पित भी है उन्हीं को। राम मंदिर का एक प्रतिरूप हम लोग जो है शोभा यात्रा में इस बार तैयार करवा रहे हैं, जो कि तकरीबन 14 से 16 फीट चौड़ा और आपका 25 फीट या 22 फीट करीब ऊंचा, क्योंकि हाइट ज़्यादा मिल रही है, और 18 फीट से 25 फीट के बीच की लंबाई थी, जिसके लिए विशेष तौर से अयोध्या से रामचंद्र जी का स्वरूप लाया गया है। अयोध्या जन्मभूमि की मिट्टी लाई गई है और सरयू का पवित्र जल लाया गया है। कितनी लंबी शोभा यात्रा? यह शोभा यात्रा की जो पूरी लंबाई होती है तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास तक चली जाती है, जिसमें महिलाओं की जो कतार होती है वो भी 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर से कम नहीं होती है, और कुल संख्या भक्तों की जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी 40,000 से ऊपर चली जाती है, और 100 से 125 के ऊपर जो है भक्तों के द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं भक्तों के जलपान के लिए और उनके पीने का पानी और सब का। 251 डब्रू मंडल द्वारा जो है राम मंदिर जो चलेगा साथ में उसका मेघ गर्जना उसका साथ किया जाएगा। 60 फीट लंबे रथ पे जो है राम दरबार की झांकी सजेगी, देवगण स्वरूप होंगे, 1,000 होगी, 1,000 किलो लड्डू होगा प्रसाद के रूप में वितरण के लिए, 10,000 से ऊपर के ध्वजा अर्पित किए जाएंगे बाबा के साथ। क्या संदेश? इसमें संदेश तो मुख्य है बाबा से हम लोग, जैसे हनुमान चालीसा पाठ होकर के बाद बाबा से हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें होता है देश कल्याण, समाज कल्याण, परिवार कल्याण के साथ ही आपसी भाईचारा की भावना विकसित हो, उसके लिए हम लोग।